जहाँ तक लैलतुल मुबारका का जिक्र कुरान मजीद में है, मुफस्सरीन की अक्सरियत ये लिखती है कि ये लैलतुल कदर के बारे है। सही। जब एक दफा आ गया इन्ना अनजलना हुफी लैलतुल कदर, बिल्कुल ठीक, तो वो यकीनी हो गया। अब जब किसी मुबारक रात का जिक्र आता है तो मुराद वो होती है। एक बात, जिन्होंने कोई तावील करने की कोशिश की है उन्होंने ये फरमाया है कि जी लैलतुल कदर को तो इल्म इलाही से लौह महफूज में आ गई चीज़ें, और लौह महफूज से जब पहले आसमान पे उतारी जाती हैं या पहले आसमान से फरिश्तों को दी जाती हैं तो वो ये शब बरात है। लेकिन अक्सरियत उलमा की इस बात पे मुत्तफिक है कि फरिश्तों को भी साल का नविश्ता जो दिया जाता है वो लैलतुल कदर ही को दिया जाता है। साल भर के अहकाम उन्हें अता कर दिए जाते हैं कि इस साल में इसको इतनी रोजी देनी है, इसका ये करना है, वो करना है, इसकी मौत होगी, इसकी पैदाइश होगी। तो ये चीज़ें लैलतुल कदर से हैं। और लैलतुल कदर में भी खिलाफ सुन्नत कोई काम करना बिदअत है। ढोल बाजे बजाना, आतिशबाजियाँ करना, ये सब बिदअत हैं और ये दीन को बिगाड़ने की कोशिशें हैं। अगर शब बरात भी किसी ने मनानी है तो तलावत करे, नवाफल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, ऐद करे गुनाह न करने का, गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करे। ये मेले ठेले करना ये बिदात है, जुल्म है, और ये दीन को मिटा कर उसकी जगह रिवाजात करने की, और ऐसी चीज़ों के लिए इरशादात नबवी में दोज़ख़ की वईद है, इनसे डरना चाहिए।